आदित्य सदैव अद्वितीय है, क्योंकि आदित्य अर्थात सूर्य कभी भी अपने लिए नहीं जीता, लेकिन सूर्य पूरी दुनिया को जीवन प्रदान करता है और त्याग व बलिदान सदैव सम्माननीय है, क्योंकि त्याग व बलिदान कोई स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करता है। अद्वितीय बलिदान देकर हिंद दी चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर जी, नौवें गुरु। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनकी शहादत सम्माननीय है। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन समस्त भारतीयों के लिए, पूरे विश्व के नागरिकों के लिए एक सांस्कृतिक विरासत है। उनके इन विचारों का अनुसरण कर हम विश्व में सर्वोत्तम हो सकते हैं। पहला, महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से बने होते हैं। दूसरा, किसी के द्वारा प्रगाढ़ता से प्रेम किया जाना आपको शक्ति देता है, और किसी से प्रगाढ़ता से प्रेम करना आपको साहस देता है। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। इनमें जो मायने रखता है वो है साहस। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान ही अहिंसा है। दिलेरी डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि ये फैसला है कि डर से भी जरूरी कुछ है। जीवन किसी के साहस के अनुपात में सिमटता या विस्तृत होता है। प्यार पर एक और बार और हमेशा एक और बार यकीन करने का साहस रखिए। अपने सिर को छोड़ दो, लेकिन उन लोगों को त्यागें जिन्हें आपने संरक्षित करने के लिए किया है। अपना जीवन दो, लेकिन अपना विश्वास मत छोड़ दो। एक सज्जन व्यक्ति वो है जो अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। हार और जीत ये आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। आध्यात्मिक मार्ग पर दो सबसे कठिन परीक्षण हैं, सही समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य और जो सामने आए उससे निराश ना होने का साहस। डर अर्थात भय कहीं और नहीं बल्कि आपके दिमाग में होता है। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, क्योंकि हर किसी को रब ने ही बनाया है। घृणा से विनाश होता है जो आजकल हो रहा है। साहस ऐसी जगह पाया जाता है जहां उसकी संभावना कम हो। नानक जी कहते हैं, जो अपने अहंकार को जीतता है और सभी चीजों के एकमात्र द्वार के रूप में भगवान को देखता है, उस व्यक्ति ने जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लिया जीते जी। इसे असली सत्य के रूप में जानते हैं। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति श्री गुरु तेग बहादुर जी, हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। मैं उनको शत शत नमन करता हूं और उनके आदर्शों का अनुसरण करता हूं।